हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार सिंह, डायरेक्टर मनोज आईएएस का। वेलकम टू मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल। आप यहां पर हमारे हिंदी साहित्य पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम को देख सकते हैं। हिंदी साहित्य मैं पढ़ाता हूं और आपको निश्चित रूप से हिंदी साहित्य पढ़ने में आनंद आएगा और यह रुचिकर होगा और अधिक से अधिक अंक प्राप्त आप कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज इसके हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य का ऑप्शनल वैकल्पिक विषय के रूप में चयन क्यों करें। तो चयन क्यों, आखिर हिंदी का चयन आप क्यों करेंगे, हिंदी का चयन आप क्यों करेंगे, पहले इस बात पर ध्यान दीजिए। तो आपको बता दें कि अगर हिंदी साहित्य की को विषय के रूप में आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में अगर चयन करते हैं वैकल्पिक विषय के रूप में, तो आप ये जान लीजिए, पहला इसका है कि निबंध लेखन में सहायक होगा। निबंध लेखन में सहायक, अगर आप हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तो आपको निबंध लिखने में सहायक होगा, जिससे आप हिंदी साहित्य सब्जेक्ट के साथ साथ निबंध की भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा इसका है कि अधिक अंक प्रदान करता है, अधिक अंक प्रदान करता है, इसलिए लेना आवश्यक है। तीसरा है मनोरंजक पूर्ण है, मनोरंजक पूर्ण है और आपके अंदर भाषण कौशल का विकास करता है, भाषण कौशल का ये विकास करेगा। और यूपीएससी के फोर्थ पेपर में भी ये सहायक होगा, में भी ये क्या होगा, सहायक होगा। इसलिए इसको निबंध, और इसका पाठ्यक्रम क्या है, छोटा है, छोटा पाठ्यक्रम है, इसलिए हिंदी साहित्य को लेना आवश्यक है। ठीक है, हिंदी साहित्य को अगर आप लेते हैं तो छोटे छोटे पाठ्यक्रम है। अब पहली बात, इसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में हमेशा रहती हैं और कई चीजें आप अपने आप इसमें ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि अगर हिंदी साहित्य विषय का चयन करते हैं आप मुख्य परीक्षा में, तो पहली बात निबंध लेखन में सहायक होगा, दूसरा है अधिक अंक प्रदान करता है, तीसरा है मनोरंजक पूर्ण है, चौथा है भाषण कौशल में विकास करता है, और फिर है चौथे पेपर में भी, ये फोर्थ पेपर में थोड़ा सा आपके लेखन कला पर ध्यान देगा, और छोटा पाठ्यक्रम है, इसलिए हिंदी साहित्य को आप ले करके अधिक से अधिक कम समय में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं। अब आप, हम इसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं कि यूपीएससी ने हिंदी साहित्य में कौन कौन सी चीजों को क्या किया है, पाठ्यक्रम के रूप में आपको दिया है पढ़ने के लिए। तो बात करते हैं कि हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है, हिंदी साहित्य जैसा कि आप जानते हैं मुख्य परीक्षा में दो पेपर होते हैं, तो मुख्य परीक्षा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपका दो पेपरों का होता है। तो इसमें आपका पहला जो प्रश्न पत्र है वह क्या है, पहला जो आपका है वह पाठ्यक्रम में प्रश्न पत्र फर्स्ट में आपका जो है इसमें है अवहट्ट अपभ्रंश अपभ्रंश है, अवहट अपभ्रंश ब्रज अवधि पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी दक्षिणी हिंदी दक्षिणी हिंदी देवनागरी लिपि व उसकी विशेषता
सिद्ध नाथ साहित्य का हिंदी में योगदान, आठवां है आपका खुसरो हैं रहीम कबीर, ये भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। मानक भाषा हिंदी, मानक भाषा हिंदी आठवां है। हिंदी का स्वरूप, उसका मानकीकरण, ये भी आपके पाठ्यक्रम में है। इसके अतिरिक्त जो है जो सेकंड पेपर है वो सेकंड पेपर के भी कुछ पाठ्यक्रम इसमें जुड़े हुए हैं, इसको आप पढ़कर के, बहुत छोटा पाठ्यक्रम है और इससे हर साल को से देखे दक्षिणी हिंदी से हर साल प्रश्न आया। अवधि से क्वेश्चन आता है, ब्रज भाषा से आता है, खुसरो से आया है, रहीम से आता है, कबीर से आता है, इससे हर साल क्वेश्चन आता है। नाथ सिद्ध साहित्य से हिंदी में योगदान 2018 में भी पूछा था, 19 में पूछा है ये क्वेश्चन। देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं हमेशा आता है, और जैसे हिंदी दिवस क्या है उससे भी क्वेश्चन आता है, और पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, उसका क्षेत्र, अवहट, अपभ्रंश, ब्रज, इनके व्याकरणिक विशेषताएं, इससे हमेशा जो है प्रश्न आते रहते हैं। और इसको जो है आप इसको पढ़ सकते हैं, इसका पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, और इससे आप इससे पूरा ये सिलेबस है लगभग लगभग पूरा, और ये आपका प्रश्न पत्र में है। और इसके बाद इसका खंड ख, खंड ख जो है आपका है, अब खंड ख जो आपका है इसमें, ये आपका खंड क्या था, खंड ए था, खंड ए। अब आप देखिए कि इसी का खंड ख, खंड ख क्या है, प्रश्न पत्र फर्स्ट का खंड ख में क्या क्या शामिल है, ठीक है, खंड ख में कौन कौन सी चीजें शामिल है उसकी बात करते हैं। तो खंड ख में आपके खंड बी बोलते हैं, बी में प्रश्न पत्र खंड बी में क्या क्या शामिल है, तो इसमें आपका शामिल है आदिकाल, आदिकाल, आदिकाल शामिल है, और भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, और चौथा है आपका आधुनिक काल, आधुनिक काल। आदिकाल से आपको खुसरो को पढ़ना है, भक्तिकाल में आपको कबीर को पढ़ना है, सूर को पढ़ना है, जायसी को पढ़ना है, और रीतिकाल में आपके जो है बिहारी और रहीम, ये आते हैं आधुनिक काल से आपके, निराला हैं, और इनको पढ़ना है नाटक, कहानी, नाटक, कहानी, उपन्यास, इससे भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, किसी कहानी को दे देता है। जो सेकंड पेपर आपका है ज्यादातर उसी से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें देखिए आप देख लीजिए, आदिकाल में सिद्धनाथ और रासो साहित्य है, और प्रमुख कवि हैं चंद्रबरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति, इनको पढ़ना है। भक्तिकाल में आपके संत काव्य धारा है, भक्तिकाल में आपका इसमें संत काव्य धारा भी है, संत काव्य धारा, संत काव्य धारा है, संत काव्य धारा, इससे आया है क्वेश्चन। और सूफी काव्य धारा है, कृष्ण भक्त शाखा है, राम भक्त शाखा है, और प्रमुख कवियों में कबीर, सूर, जायसी और तुलसी का वर्णन किया गया है। रीतिकाल में रीतिकाव्य सिद्धि, रीतिकाव्य, रीतिकाव्य
और रीत मुक्त काव्य, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त तीनों काव्यों का इसमें वर्णन किया गया है और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। और इसमें कवि जो पढ़ने हैं आपको रीति काल में, इसमें बिहारी है, रहीम है, केशव है, केशव केशवदास हैं, कठिन काव्य का प्रेत हैं, पद्माकर हैं, पद्माकर भी पढ़ना है आपको, घनानंद को पढ़ना है, ठीक है, ये प्रमुख कवि हैं आपके। और आधुनिक काल में नवजागरण और गद्य काल का विकास भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक भारतेंदु और बालकृष्ण, इसमें आधुनिक काल में आपको निराला उराला के अतिरिक्त जो है आपको कहानी नाटक उपन्यास तो पढ़ना ही है, भारतेंदु को पढ़ना है, भारतेंदु और इनका मंडल इसको पढ़ना है, भारतेंदु मंडल को पढ़ना है। और इसके बाद जो है आपको बालकृष्ण भट्ट को पढ़ना है, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ना है, ये आपके पाठ्यक्रम में था आपका ये। और इसके बाद आपका अब आता है सेकंड पेपर, प्रश्न पत्र दो। अभी तक अगर इसकी बात करें तो खुसरो की भाषा आ चुका है, खड़ी बोली में खुसरो का योगदान आ चुका, संत काव्य धारा से कई क्वेश्चन आए, कबीर आया है, संत काव्य धारा में अवधि भाषा का योगदान, और कबीर से क्वेश्चन आ चुका, सूर और जायसी से भी आ चुका है, बिहारी रहीम भारत खास करके इसमें रहीम की काव्य भाषा से क्वेश्चन आता है, और आधुनिक काव्य में आप जान ले भारतेंदु मंडल से क्वेश्चन आया, बालकृष्ण भट्ट से आ चुका है, नाटक कहानी और उपन्यास से भी कुछ क्वेश्चन आए हुए, ये आपके पूरे पाठ्यक्रम में है। अब आपको अगला जो आपका पाठ्यक्रम है, आप सेकंड पेपर, जो आपका सेकंड पेपर है प्रश्न पत्र दो, प्रश्न पत्र दो में इसमें भी दो सेक्शन हैं, खंड क या इसी को ए बोलते हैं, खंड क, खंड क में अगर सेकंड पेपर की बात करें तो इसमें खंड क में क्या क्या रहता है, कबीर सूर, इसमें कबीर हैं व्याख्यात, इसमें कबीर तो इनकी क्या है ग्रंथावली शामिल है, ग्रंथावली, ग्रंथावली के प्रारंभ के प्रारंभ से 100 पद, सूरदास का जो है सूर सागर शामिल है आपके पाठ्यक्रम में, इसमें भ्रमर गीत है आपके पाठ्यक्रम में, इसके भी 100 पद पढ़ने हैं, 100 पद इसके भी पढ़ने हैं। अब इसके बाद आपका जो है तीसरे नंबर का है तुलसीदास का आपका सुंदर कांड, रामचरितमानस का सुंदर कांड शामिल है, और इसके बाद सुंदर कांड तुलसीदास का और कवितावली का उत्तरकांड शामिल है, ठीक है, ये है आपका। इसके बाद अब आपके हैं बिहारी लाल से बिहारी सत्सई शामिल है, बिहारी सत्सई की भी प्रारंभ से 100 पद शामिल हैं। और इसके बाद आपका जो है जायसी छूट गए इसमें, जायसी भी शामिल हैं आपके पाठ्यक्रम में, जायसी तो जायसी का पद्मावत शामिल है, पद्मावत का 2 खंड शामिल है, एक है नागमती वियोग खंड शामिल है,
और इसके बाद सिंगल खंड शामिल है, सिंगल द्वीप खंड ये आपका शामिल है, ठीक है। ये आपका इस तरह से पाठ्यक्रम में शामिल है। और अब आपका जो अगला पद है वह है, अभी इसमें आपके जो है मैथिली सर गुप्त हैं, नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं, क्योंकि इसको मिटा करके पुनः हम आगे देखेंगे। तो इसमें शामिल है, इसके अतिरिक्त जो है आपके आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में आपके जो शामिल हैं मैथिली शरण गुप्त शामिल हैं, मैथिली शरण गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनका भारत भारती पाठ्यक्रम में है, भारत भारती हर साल प्रश्न आते हैं। और आपका अगला जो है गिरहन निराला है, निराला निराला का जो है कुकुरमुत्ता पाठ्यक्रम में है, कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता शामिल है। और राम की शक्ति पूजा, और राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा शामिल है। इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं, कभी राम की कुकुरमुत्ता से आएगा, कभी राम की शक्ति पूजा से आता है। जयशंकर प्रसाद हैं, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का कामायनी शामिल है, कामायनी, कामायनी में 15 सर्ग हैं, इसके दो शामिल हैं, एक तो आपका चिंता है, चिंता सर्ग, और दूसरा है आपका चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, चिंता और श्रद्धा, ये दो इनके शामिल हैं। इसके बाद आपका जो है अगला जो है पाठ्यक्रम में शामिल है वह है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का है आपका कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र है इनका, अज्ञेय भी शामिल हैं, अज्ञेय का आप है आपका अज्ञेय का है असाध्य बीड़ा, असाध्य बीड़ा ये इनका शामिल है, असाध्य बीड़ा। और मुक्तिबोध, मुक्तिबोध, मुक्तिबोध का शामिल है ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस शामिल है पाठ्यक्रम में आपके। और नागार्जुन, अब इसके बाद अगले जो कवि इसमें शामिल है वो है नागार्जुन, नागार्जुन, नागार्जुन का वैसे पूरा नाम था बैद्यनाथ मिश्र, इनका है बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, और अकाल, और उसके बाद अकाल और उसके बाद ये आपका खंड सेक्शन खंड अ है आपका। अब इसमें खंड ब क्या है, खंड अ है ये, अब इसमें देखिए खंड ब, खंड ब इसमें देखिए हिंदी प्रश्न पत्र 2 में खंड बी, खंड बी में कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अब आप इसमें देखिए तो इसमें आपका है
स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त का लेखक तो आप जानते ही होंगे, जयशंकर प्रसाद, भारत दुर्दशा, भारतेंदु का है, महाभोज मन्नू भंडारी, दिव्या यशपाल, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, छठा जो है आपका है रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि, चिंतामणि है, कविता क्या है, और दूसरा है कविता क्या है, ये है। इसके बाद जो है आपका मुंशी प्रेमचंद है, इनका है गोदान, गोदान, गोदान का लेखक हैं प्रेमचंद, बहुत फेमस उपन्यास है, अंतिम कृति है इनकी। और आठवां नंबर है आपके पाठ्यक्रम में, टूट रहा है, और वह है आपका निबंध निलय, निबंध निलय, निबंध निलय, निबंध निलय में कई कवियों की निबंध संग्रह है, जिसमें आपका भारतेंदु, इसमें आपके हैं निबंध निलय में संपादक इसके हैं डॉक्टर सत्येंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम विलास शर्मा, अज्ञेय कुबेरनाथ राय, ये हैं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं। और ये आपका पाठ्यक्रम हो गया दोनों का। अब आप सोचिए कि कितना छोटा है क्वेश्चन, क्योंकि गोदान से हर साल प्रश्न आना है, गोदान से हमेशा आता है क्वेश्चन, और उसके बाद निबंध निलय से क्वेश्चन आते हैं, महाभोज से क्वेश्चन आया हर साल, दिव्या से आता है क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन तो निश्चित रूप से आता है, प्रेम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि से भी आता है, और इसके बाद आपका नाटक है, उपन्यास है, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पूरे पाठ्यक्रम है। इसके अतिरिक्त जो है आप जब इसमें व्याख्या खंड में आपने देखा कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, उनसे भी आगे उनसे भी प्रश्न बनाते रहते हैं, जो प्रश्न भी आते हैं, ये कविता का पूरे ये आते रहते, इसके व्याख्या भी आएगा और प्रश्न उत्तर भी इससे आता है, ठीक है। ये आपका ये है अगला पाठ्यक्रम में हम जो है ये यूपीएससी का सिलेबस था आपके हिंदी पाठ्यक्रम में, यूपीएससी आईएएस का था, अगली क्लास में हम लोग जो है इन प्रश्नों को जैसे मैं आपको किस तरह से कराऊंगा बता देता हूं, जैसे मुंशी प्रेमचंद को उठाए तो गोदान में किस किस तरह से प्रश्न आए हैं, कौन कौन सी व्याख्याएं हैं, निबंध निलय में किस से प्रश्न आए हैं, महाभोज उठाए तो मनु भंडारी से कौन कौन से प्रश्न आए हैं, और इसका अभ्यास प्रश्न भी करेंगे हम, और इसकी कहानी को भी देखेंगे क्या क्या है, दिव्या से कौन कौन से प्रश्न बने हैं, मतलब एक एक टॉपिक का एक एक दिन सेक्शन कराएंगे, सेक्शन कराएंगे, फिर उसकी व्याख्या कराएंगे, कौन कौन से किस प्रश्न में आया है, किस ईयर में आया है, और किस तरह से इसके आंसर लिखे जाएंगे, इसको भी हम कराएंगे, ठीक है। और
इस तरह से जब हम पढ़ेंगे तभी होगा। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसको देखेंगे, यूट्यूब की अगली नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इनसे कौन कौन से प्रश्न बने हैं और किस तरह से प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएंगे। तो अगले टॉपिक में मैं आपकी चर्चा करूंगा कबीरदास को, कबीरदास की चर्चा करूंगा और कबीरदास का फिर कबीरदास की चर्चा करने उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हैं, किस तरह से उसकी व्याख्या लिखी जाएगी। तो अगला आपका जो विषय है वो आपका जो है क्या है, कबीरदास है। तो कबीरदास को हम अगले टॉपिक में कबीरदास का डिस्कस कराएंगे।